हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर व्लॉग ऑफ अंडमान। तो आज मैं आप लोगों को सी वॉक के बारे में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सी वॉक के लिए भी आपको एलिफेंटा बीच जाना होगा। तो अंडमान में आपको हर वाटर एक्टिविटीज़ के लिए एलिफेंटा बीच ही जाना होगा, और एलिफेंटा बीच वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ही फेमस है। एलिफेंटा बीच के बारे में मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा इफ़ यू वांट टू नो डिटेल अबाउट एलिफेंटा बीच। तो एलिफेंटा बीच पे रीच होने के बाद वहाँ पे एक और बोट में आपको बिठा करके, और जो सी वॉक का जो मेन एरिया है, मतलब यहाँ पे भी एक बोट होता है और ये एक लोकेशन होता है, मतलब एक एरिया होता है जहाँ पर सी वॉक कराया जाता है, वहाँ पे बोट में बिठा करके लेके जाते हैं। तो जो सी वॉक का जो मेन लोकेशन है, वहाँ पे पहुँचने के बाद अंदर वो लोग अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मेनली यहाँ पे कान में जो प्रेशर आता है उसको हैंडल करना दिखाया जाता है, और यहाँ पे वही एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपको मास्क का, किसी और चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम बाहर जैसे बैठ के ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ही हम पानी के अंदर भी करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ और बहुत ही अच्छा है, वाटर लाइफ को आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो सी वॉक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सी में हमें वॉक करना है, मतलब लिटरली पानी के अंदर हम चल सकते हैं। रियली में बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जिसको नहीं पता है उसको जाने के टाइम पे डर तो लगता ही है, बट एक बार जब हमारा पैर पड़ता है ज़मीन पे तो लगता है कि बस यही है, बहुत अच्छा लगता है। और टाइम टोटल 15 मिनट का ये लोग देते हैं, और वो 15 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो हम जो गए थे वो कंपनी थी सी वॉन्डर्स, एक्चुअली यहाँ पर एक और कोई कंपनी है, बट इस टाइम पर जब हम गए थे तो हमने देखा कि बस यही एक लोग थे सी वॉन्डर्स वाले जो कि सी वॉक करा रहे थे। तो ये जो सामने आपको सीढ़ी दिख रही है, इसी सीढ़ी से हम ऊपर बोट से नीचे आते हैं। जब हम नीचे आने वाले ही रहते हैं पानी में, तभी ये लोग हमारे ऊपर 40 किलो का हेलमेट रखते हैं, जो कि पानी में नीचे आने के बाद हमें बिल्कुल भी उसका वेट पता नहीं चलता है। और एकदम जैसे आप बाहर ब्रीदिंग कर रहे हैं, वैसे ही आपको अंदर भी ब्रीदिंग करना होता है। और ये लोग ऊपर से करीबन 10 से 12 फीट हमें नीचे लेकर के आते हैं, और जब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं तो हमारे कान में प्रेशर सा फील होता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अपने नाक को थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है, वो प्रेशर रिलीज़ होता रहता है। और जैसे कि हम अपना सलाइवा अंदर लेते हैं, खाना या पानी अंदर लेते हैं, वैसे करने से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो नीचे आने के बाद सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको तो लास्ट ब्लॉग में पता ही चला होगा कि मैंने अपना स्कूबा कैसे मिस कर दिया, और स्कूबा मिस करने के बाद मेरे मन में ये तो घुस गया था कि नहीं, इस बार तो मैं ये सी वॉक तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मेरा अंडमान आना वेस्ट हो जाएगा। तो सी वॉक के लिए मैं कम्प्लीटली रेडी थी। थोड़ा डर सबको लगता है, बट ये पूरी तरीके से बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तो जो भी गाइड होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं। और इसका जो प्रेशर है, ये जो बबल का प्रेशर है, ये एकदम आपको फील होगा। अगर आप अपना हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ पे भी वो प्रेशर फील होगा। पानी के अंदर की जो लाइफ है वो एक अलग ही है, और सच में जब आप जब जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। कभी भी चांस मिले तो ज़रूर से जाइएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। और सी वॉक आई थिंक सबके लिए ही सेफ़ है, आप एक बार उन लोगों से भी पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी जा सकता है, क्योंकि स्कूबा सबके लिए नहीं है, तो सी वॉक एटलीस्ट जा करके सब लोग इंजॉय कर सकते हैं। और सी वॉक में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने वहाँ पे देखा भी, वो लोग बोलते हैं कि जब आप पानी से बाहर निकलें और आपके कान में अगर प्रेशर होता है, तब आपको नाक नहीं बंद करना है, अदरवाइज़ आपके नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी। तो लोग पानी के नीचे तो नोज़ दबा दबा करके अपना प्रेशर रिलीज़ करते हैं, क्योंकि पानी के नीचे वो सेफ़ है, बट बाहर निकलने के बाद आपको कोई भी नोज़ कान कुछ भी नहीं दबाना है, उसको छोड़ देना है और नेचुरली वो रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा एक लोग मेरे ही सामने, वो बाहर आए और वो अपने नोज़ को प्रेस कर रहे थे और उनके नाक से तुरंत ब्लीडिंग होने लगी। कुछ भी सीरियस नहीं होता है, बट देखने के बाद डर लग जाता है इंसान को, तो डरने की भी बात नहीं है। बट लेकिन ऊपर आने के बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने दें, उसको छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद से अपने आप से आपका कान नाक मुँह सब खुल जाएगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाइए अच्छे से इंजॉय करिए और अभी का व्यू इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।